नमस्कार दोस्तों, रिव्यू बाजार में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रभास सर की अपकमिंग फिल्म राधे श्याम के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे कि यह मूवी कब और कहां पर रिलीज होगी, इसकी कास्टिंग कौन कर रहा है और इसके मौजूदा डायरेक्टर कौन है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कास्टिंग के साथ। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस मूवी के लीड एक्टर होंगे प्रभास, जो कि विक्रमादित्य का किरदार निभा रहे हैं। तो दोस्तों, आप तो जान ही गए कि अगर प्रभास सर इस मूवी में है तो इस मूवी को ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट बनाने में कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने बाहुबली जैसी मूवियों में काम कर अपना काफी शानदार प्रदर्शन दिया है और बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचाया है। और दोस्तों, इनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। वही दोस्तों, अगर हम इस मूवी के लीड एक्टर्स की बात करें तो इस मूवी की लीड एक्ट्रेस होंगी पूजा हेगड़े, जो कि परीना का किरदार निभा रहेंगी। दोस्तों, आप तो जानते होंगे कि ये काफी शानदार एक्टिंग करती हैं और ये काफी यंग और टैलेंटेड एक्टर्स हैं। वही दोस्तों, अगर हम इसके अगले किरदारों की बात करें तो उसके ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं की गई है। वही दोस्तों, अगर इस मूवी के हम डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी के डायरेक्टर होंगे राधा कृष्णा कुमार, जो कि काफी शानदार डायरेक्टर है। इनकी डायरेक्शन में मूवियां काफी सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर होती रहती है। वही दोस्तों, अगर इस मूवी के हम प्रोडक्शन कंपनी की बात करें तो इस मूवी के प्रोडक्शन कंपनी है यूवी क्रिएशन, जो कि काफी नामी प्रोडक्शन हाउसों में से एक है। वही दोस्तों, अगर इस मूवी के हम रिलीज डेट की बात करें तो इस मूवी की रिलीज डेट जो कि निकल कर सामने आ रही है वो है 21 फरवरी 2021। वही दोस्तों, अगर इस मूवी के रिलीज प्लेटफॉर्म की बात करें तो यह मूवी हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी। वही दोस्तों, अगर हम इस मूवी के कुल बजट की बात करें तो यह मूवी 150 करोड़ में बन रही है। तो दोस्तों, हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, क्या यह मूवी ब्लॉकबस्टर के साथ साथ सुपरहिट होगी या फिर होगी फ्लॉप? तो दोस्तों, अगर आपको यह सब जानना है तो हमारे चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।